थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स ये दो वर्ड से बना है, थर्म प्लस हम क्या बोल सकते हैं डायनामिक्स। मतलब मैं बोल सकता हूं जब मेरा थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब मोशन, मतलब जब हीट मोशन कर रहा है, हीट जब फ्लो कर रहा है तो वो कितना वर्क करता है, उस वर्क करने के साथ साथ वो उसकी इंटरनल एनर्जी को कितना बढ़ाता है। तो दो बॉडीज के बीच जो हीट एक्सचेंज हो रहा है उस हीट एक्सचेंज को स्टडी करना हम इस थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। चलिए तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लिख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ exchange of heat energy between bodies and conversion of the same into mechanical energy and vice versa। मतलब दो बॉडी के बीच में, ये दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडी के बीच में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होना और वो हीट एनर्जी के चलते, हम बोल रहे हैं यहाँ पे वो हीट एनर्जी के चलते उस सिस्टम पे कुछ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क होना या मैकेनिकल वर्क के चलते हीट एनर्जी के एक्सचेंज होना, ये हम इस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बात करने थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब फिजिक्स के सेंस में क्या होता है, फिजिक्स के सेंस में सपोज ये आपका एक पिस्टन है, है ना। इस पिस्टन में, इस इनक्लोज चैम्बर में आपने क्या रखा हुआ है, गैस रखा हुआ है, और वो गैस जो है वो गैस है ना का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा ना। ये गैस इस कंटेनर में जब रखा हुआ है तो इस गैस के पास आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT अगर बात करूं तो कुछ प्रेशर होगा इस गैस का, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा, और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर उस गैस का स्टेट बताएंगे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो हम बात करें अगर कोई बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करके रखे जाएं एक है ना इनक्लोज चैम्बर में, सच दैट वो है ना वॉल्स ऑफ द कंटेनर में कुछ प्रेशर एग्जर्ट करें, कुछ कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम बन जाए और यहाँ पे टेम्परेचर हो और टेम्परेचर के चलते इसकी एनर्जी हो, तो यहाँ पे इसको आप नाम देते हैं सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसको हम इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। तो ये हमारा कहलाता है सिस्टम, है ना। ये जो गैस की हमें स्टडी करनी है, मेन फिजिक्स में जो भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वो इस गैस के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, और सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ आपका क्या कहलाता है, सराउंडिंग। तो इस सिस्टम सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज को डिस्कस करना हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करने जाएंगे। तो केमिस्ट्री में सिस्टम सराउंडिंग को पढ़ा जाता है, मतलब और जो ये गैस है उसको केमिस्ट्री में सराउंडिंग कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला केमिस्ट्री में निगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा देखेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बस अंतर ये है, यहाँ पे गैस मेरा सिस्टम बना हुआ है और केमिस्ट्री में जो आपका सराउंडिंग है वो आपका सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में लिखा है इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड विद इन सर्टेन बाउंड्रीज सच दैट इट हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो एक सर्टेन बाउंड्री में अगर गैस को आपने क्या कर रखा है, कन्फाइन करा हुआ है विद इन सर्टेन बाउंड्रीज, ताकि उसका कुछ प्रेशर हो, उस गैस के चलते कुछ वॉल्यूम आए और उसका कुछ टेम्परेचर हो, तो वो आपका सिस्टम कहलाता है। उस गैस को हम सिस्टम करके समझेंगे। आगे है एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू विच एनर्जी और मैटर कैन बी एक्सचेंज इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज होगा ना बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट का एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर और हीट का एक्सचेंज प्रोसेस जो होगा, मैटर एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ इस सिस्टम का, और साथ ही साथ है ना हीट भी एक्सचेंज होगा, तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे हमें दो ही डिस्कस करना है, जैसे फिजिक्स में सिस्टम क्या होता था, जिसपे ना वन बॉडी और है ना टू और मोर देन टू बॉडीज बिटवीन विच है ना पेयर ऑफ फोर्सेस इंटरैक्ट, है ना। उसी तरह से यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट और मैटर का एक्सचेंज हम डिस्कस करना चाहते हैं।
तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जरूर। अब मैटर और हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बेसिस पे हम सिस्टम को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए आपने दूध रखा है ना एक टोपिए में, वेसल में आपने दूध रखा हुआ है ना, यहाँ पे ये तीन सिचुएशंस के टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नीचे आग लगा रहे हैं, इसमें ऊपर कोई प्लेट नहीं रखी हुई, तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा ना, ये सराउंडिंग से हीट लेगा, ये बर्नर जो होगा वो इसे आग देगा, मतलब यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज होगा, और क्या होगा, दूध इवेपरेट होगा, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर का भी एक्सचेंज होगा। तो ओपन सिस्टम हम किसे कहते हैं, जिसमें हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो सिस्टम हमारा कहलाता है ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग, वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ दोनों एनर्जी और मैटर एक्सचेंज कर पाए, वो सिस्टम आपका कहलाता है ओपन सिस्टम। अब सपोज कीजिए उस वेसल पे आपने क्या लगा दिया, एक प्लेट लगा दिया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे हीट तो एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, पर क्योंकि ऊपर ढका हुआ है, प्लेट है, तो मैटर या बोलूँ मॉलिक्यूल्स मेरे सराउंडिंग में नहीं एक्सचेंज हो सकते, मतलब यहाँ पे ओनली हीट एक्सचेंज होगा बट नॉट मैटर, वो सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, यहाँ पे बस एनर्जी एक्सचेंज हुई है, नॉट मैटर, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा विद द सराउंडिंग, वो सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं बात करने आइसोलेटेड सिस्टम। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपने कैसी वॉल्स लगा दी है, एडियाबेटिक वॉल्स, और ऊपर से प्लेट भी रख दिया, तो ना मैटर एक्सचेंज हो पा रहा है और ना आपका एनर्जी एक्सचेंज हो पा रहा है, तो वो सिस्टम आपका कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज है ना टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो सिस्टम हमारा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ इट कैन एक्सचेंज नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स, वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे जो थर्मस होता है आपका, वो थर्मस की जो वॉल्स होती है वो एडियाबेटिक वॉल्स होती है, तो ये एडियाबेटिक वॉल्स होने के कारण यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो पाता है हीट का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसके वजह से अंदर अगर बर्फ रखी हुई है तो वो बर्फ ना आपकी बर्फ स्टेट में रहेगी, और यहाँ पे है ना क्योंकि ऊपर से थर्मस अगर ढका हुआ होगा तो कोई एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम का, जो आपका थर्मस होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। तो ये है मेरा टाइप्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन अगर मैटर और एक्सचेंज, मैटर और एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट सर, इंडिकेटर डायग्राम, जैसे अभी हमने देखा अगर मेरा ये कोई कंटेनर है ना, इसके अंदर हमने कुछ गैस रखा हुआ है, तो इस गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा, और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या डिसाइड करेगा, उस गैस का स्टेट डिसाइड करेगा किसी टाइम पे। अब अलग अलग है ना सिचुएशन में प्रेशर वॉल्यूम चेंज है ना टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, तो इंडिकेटर डायग्राम सिंपली क्या है, इन तीन वेरिएबल्स में कोई भी दो वेरिएबल्स उठा के उनके बीच ग्राफ प्लॉट करना। जैसे प्रेशर वॉल्यूम मैं बना सकता हूँ है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर बनाया जा सकता है, टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ बनाया जा सकता है, तो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच का जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को आप नाम देते हो इंडिकेटर डायग्राम, जो इंडिकेट करता है कि गैस कहां से कहां ना किस स्टेट से किस स्टेट मूव कर रही है। और यहां पे कोई भी वेरिएबल जो है प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर प्रेशर किसी भी एक्सिस में हो सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं कि प्रेशर हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में है, यहाँ पे वाई एक्सिस में, जैसे यहाँ वॉल्यूम वाई एक्स एक्सिस में, यहाँ वॉल्यूम वाई एक्सिस में, सिमिलरली यहाँ टेम्परेचर एक्स एक्सिस में, यहाँ टेम्परेचर वाई एक्सिस में है, तो डिपेंड करेगा आप किसके बीच ग्राफ बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर है ना, और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद ईच अदर, प्रेशर टेम्परेचर के साथ, प्रेशर वॉल्यूम के साथ और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ,
एक आपस में कैसे उन दोनों में है ना लेट्स से वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, वो उसका ग्राफ जो बनाया जाता है उसी ग्राफिकल को अप्रोच को नाम दिया जाता है इंडिकेटर डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरी पॉइंट ऑन इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ यूनिक स्टेट दैट इज पीवीटी ऑफ द गैसेस। जैसे अगर मैं ये बोलूं, जैसे इस ग्राफ की अगर बात करें, ये पीवी ग्राफ है मेरा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, तो लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इनिशियल स्टेट कहा जा रहा है इसको, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हो गया, मतलब ये आपने गैस लिया, उसका आपने रीडिंग लिया, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये इस गैस का स्टेट हुआ इनिशियल स्टेट करते हुए। अब आपने इसको गैस को कंप्रेस किया है ना, टेम्परेचर चेंज किया, और लेट्स से बी पॉइंट पे लेके आया, ये एरो हेड बताएगा कि गैस कौन से स्टेट से कौन से स्टेट जा रहा है, मतलब इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है, ये एरो बताएगा। अभी एरो यहां पे है, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको गिवन होगा या आपको डिसाइड नहीं करना है, क्वेश्चन में बोला गया होगा कि गैस को 10 पास्कल से 20 पास्कल ले गए, तो उस टाइम पे एरो कहाँ होगा मेरा, ना ऊपर की तरफ होगा, एरो हेड ऊपर होता तो यहाँ पे ये इनिशियल होता, ये फाइनल होता। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस ग्राफ का रीडिंग देख के, हम यहाँ से पी वन और वॉल्यूम वी वन, वैसे यहाँ से पी टू वॉल्यूम वी टू, अब यहाँ पे पी वी अगर मिल गया, दो वेरिएबल मिल गए, तो तीसरा वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का रिलेशन हम यूज करके क्या पता कर सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम पता है, एन पता है, आर पता है, तो हम टेम्परेचर को पता कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल मुझे काफी है किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। अब ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है ना, इस टाइप का हो सकता है, ग्राफ ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो यहां पे अब ये इनिशियल स्टेट हो जाएगा, ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा, यहां पे ये इनिशियल स्टेट हो जाएगा गैस का, और ये हो जाएगा मेरा फाइनल स्टेट करते हुए। तो हर है ना गैस का कोई ना कोई एक है ना पॉइंट जो होगा, अब इस ग्राफ में हर पॉइंट मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिक स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक यूनिक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो नेक्स्ट बोला गया है एवरी कर्व ऑन द इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ यूनिक प्रोसेस, मतलब ये जैसा कर्व होगा ना, ये कर्व कोई एक प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यूनिक प्रोसेस। अगर ये कर्व ऊपर से आता तो ये कोई दूसरा प्रोसेस होता, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता तो कुछ और होता। तो अब अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया जाए, तो वो डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जैसे आपने मैकेनिक्स में आपने डिस्कस किया था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हम बोलेंगे बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो और रोटेटरी इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो। उसी तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मतलब हीट, हीट इक्विलिब्रियम में मतलब यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही बिटवीन है ना टू बॉडीज। तो दो बॉडी के बीच हीट कब एक्सचेंज होती है, जब उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो, मतलब एक बॉडी हॉट एक बॉडी कोल्ड, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसे हम कहेंगे हॉट और जिसका टेम्परेचर कम उसको हम कहेंगे कोल्ड। तो लेट्स से ये हॉट है, T1 T2 से बड़ा है, तो ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया, तो हीट फ्लो करती है आपकी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हीट फ्लो करेगी मेरी हॉट बॉडी टू लो बॉडी। तो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए तो उस केस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन द टू बॉडीज, तो उस स्टेट को नाम दिया जा रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हम बोल रहे हैं इट इज अ सिचुएशन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट सीज टू एक्सचेंज एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी ना बाय द प्रोसेस ऑफ हीट है ना, ये हीट एनर्जी का प्रोसेस जो ट्रांसफर ऑफ हीट प्रोसेस है वो रुक जाए, सीज कर जाए, सीज मीन्स स्टॉप्स है ना, सीजेस टू एक्सचेंज एनर्जी ना, तो उस प्रोसेस को आप नाम दिए हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, उस सिचुएशन को कंडीशन को आप नाम दिए हैं है ना थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए तो दो बॉडीज के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं बोल दूं ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर अगर सेम हो गया तो यहाँ पे T1 T2 के बराबर हो गया तो इनमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ला दी जाए तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। हीट कब एक्सचेंज होगा, हीट
तभी एक्सचेंज होगा जब दो बॉडीज के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन देम। मतलब जब उन दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो उन दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी और वही एनर्जी ट्रांसफर को आप हीट एनर्जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या समझा रहा है, तो यहाँ पे सपोज ये आपकी ग्रीन से जो है वो आपकी एडियाबेटिक वॉल्स है, मतलब यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा बी और सी में, और ए सराउंडिंग के साथ, बी सराउंडिंग के साथ और सी भी सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती। जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो ए और सी के बीच हो सकता है और या फिर ए और बी के बीच हो सकता है। तो यहाँ पे हमने तीन है ना पार्टीशन बनाए हुए हैं, यहाँ गैस ए है, यहाँ गैस सी है, यहाँ गैस बी है, और ये है मेरी डायथर्मिक वॉल्स है, ये जो पर्पल से बनी हुई है डायथर्मिक वॉल्स, मतलब इनके बीच हीट एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। कोई हीट एक्सचेंज कब नहीं होगा, जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ अगर ए बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और बी का टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो यहां से हम बोल सकते हैं बी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब बी और सी में भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस लॉ ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो वो कौन सा पैरामीटर है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। वो जीरोथ लॉ ने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इंट्रोड्यूस किया, मतलब उसने बताया कि टेम्परेचर फैक्टर डिस्कस किया जाएगा है ना दो बॉडीज का थर्मल इक्विलिब्रियम देखने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ इफ टू सिस्टम्स लेट्स से बी और सी सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड वन है ना, लेट्स से ये दोनों बी और सी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए के साथ, देन दे देमसेल्व्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इसने टेम्परेचर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो उस तरह से आप इस थर्मोडाइनमिक्स का है ना जीरोथ लॉ इंट्रोड्यूस किए। फिजिक्स में हम तीन लॉ थर्मोडाइनमिक्स के डिस्कस करेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ पे उस गैस को है ना स्टडी किया जाएगा। केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और मेरा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया जाएगा, वहाँ जीरोथ लॉ नहीं होता है। तो ये है मेरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, अभी देखा था एक आइडियल गैस का स्टेट क्या होता है, कुछ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना। गैस किसी कंटेनर में रखी है तो उसके पास कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा। तो उस है ना स्टेट के ना जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स पीवीटी, उनके बीच एक रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। रिलेशन बिटवीन है ना स्टेट पैरामीटर्स ऑफ अ गैस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन आपने देखी थी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी करते हुए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इट इज द रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पीवीटी ऑफ द सिस्टम, जरा पी प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड मोल्स आर ना यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी टेम्परेचर। तो यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस ऑफ एन मोल्स इज, ये रहा तो एन मोल्स के लिए ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कुछ ये होगी। अब यहाँ पे मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर किस यूनिट में रखे जाए उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, टेम्परेचर केल्विन में हो, तो आर की वैल्यू ली जाती है 0.0821 करते हुए है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ प्रेशर को मैं पास्कल लेता हूँ, पास्कल मतलब एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो और वॉल्यूम को मैं क्यूबिक मीटर में लिखता हूँ, तो टेम्परेचर आपका केल्विन में है, तो उस केस में एसआई में आपका ये वैल्यू कितना होता है आर की 8.314। ये एसआई में है ना,
यह सही में हो गया, और ये आपका ना वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट्स जो आप केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गया। अब हम यहाँ पे जो फिजिक्स में हीट चैप्टर में हम पी इंटू वी ना, अगर मैं पी इंटू वी की बात करूँ, पी इंटू वी मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क, है ना, यहाँ पी इंटू वी वर्क रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पी वी का ना यूनिट क्या बन के आएगा, जूल ना, मतलब पी और वी अगर मल्टीप्लाई होने पे जूल एसआई यूनिट पे, तो आप बात करेंगे आर की वैल्यू 8.314 हो जाती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें, क्योंकि हीट पूरा हम पढ़ेंगे कैलोरी के टर्म्स में, तो कैलोरी में अगर निकल के आए मेरा हीट, तो उस केस में आप आर की वैल्यू लेंगे 2 करते हुए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, है ना, और इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप इसको 4.2 जूल लेके काम करें। कैलोरी मेरा कोई सीजीएस यूनिट नहीं है, ये भी वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट्स है। अब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, टेम्परेचर तो सब जगह केल्विन है, पर यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या लिया वो हमें, है ना, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ये बोल रहा हूँ कि ये लेट से अगर ये एनर्जी मेरी कैलोरी में निकल गई, उस टाइम पे आर की वैल्यू मैं 2 लेके चलूंगा। अभी मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरा इक्वेशन ऑफ स्टेट पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट, वर्क डन बाय अ गैस, तो जैसे अगर कोई गैस रखी हुई है इस कंटेनर में, तो एक गैस का कुछ प्रेशर होगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ये गैस का अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, सराउंडिंग के प्रेशर से गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो एक गैस क्या लगाएगा, इस पिस्टन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे ज्यादा प्रेशर होने की वजह से। और इस प्रेशर की वजह से लेट से ये एक सर्कुलर अगर टाइप का पिस्टन होता, जैसे इंजेक्शन होता है आपका, है ना, तो सर्कुलर पिस्टन होता, तो इस पे कितना फोर्स लगाता है ये गैस, F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, P इंटू A करते हुए, प्रेशर P इज इक्वल टू F बाई A होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू A। अब ये क्या करेगा, ये गैस पे, है ना, ये जो गैस है इस पिस्टन पे फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसके वजह से ये पिस्टन लेट से कितना डिस्प्लेसमेंट मूव करता है, dx डिस्प्लेसमेंट मूव किया। तो मैं बोल सकता हूँ इस फोर्स के कारण जो ये, है ना, प्रेशर जो एक गैस हो रहा है, तो इस फोर्स के कारण ये डिस्प्लेसमेंट dx मूव किया, तो हम बोल सकते हैं इस फोर्स के कारण कितना वर्क आया होगा। तो एक छोटा सा वर्क डन आप लिख सकते हो F डॉट dx करते हुए। अब यहाँ पे हम बात करें, अब इन छोटे छोटे वर्क को ऐड किया जाए तो ये मुझे क्या देगा, टोटल वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन बोल सकता हूँ, है ना, ऑन द पिस्टन बोलूं या ऑन द सराउंडिंग, बात एक ही है। अब यहाँ पे जहाँ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसी F डॉट dx को हम लिख सकते हैं F dx cos ऑफ 0 degree, और cos 0 मेरा 1 होता है, तो ये बन के आया F इंटू dx। अब इस F को हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू क्या है, P इंटू A, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू A इंटू क्या बन गया मेरा, dx। अब अगर इस पिस्टन का एरिया A है ना, और डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, तो हम बोल सकते हैं A इंटू dx क्या बन जाएगा, जो इसने वॉल्यूम स्वीप करके ऊपर गया होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसने स्वीप किया है, ये dv की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A dx। तो ये A इंटू dx मेरा क्या बन जाएगा, है ना, dv करके आएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A इंटू dx मेरा बन गया dv करते हुए। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वर्क डन का, वो होता है इंटीग्रेशन पी डी वी। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट है तभी इस पी, है ना, प्रेशर को आप बाहर निकालेंगे और ये पी डी वी पी डेल्टा वी बन जाएगा। अगर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करेंगे और काम करेंगे। जैसे वर्क पावर एनर्जी में एफ dx को, ना, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होता था तो बाहर आता था, एफ डॉट डेल्टा एक्स कहलाता था, पर अगर कांस्टेंट नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज होता, तो वही एफ डॉट dx मेरा एफ डेल्टा एक्स ना बन के इंटीग्रेट करते हुए हम काम करते थे। तो यहाँ पे हम कहते हैं ये वर्क किसके कारण आया, ये वर्क आया गैस के कारण, है ना, ऑन द सराउंडिंग, दिस इज वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। अब
केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, यही वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पीडीबी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वर्क आप है ना सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में देख रहे होंगे, इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में देख रहे होंगे, आपका इन्वायरमेंट वहां पे सिस्टम होगा, यहाँ पे गैस मेरा सिस्टम है, तो मैं यहां बोलूंगा कि ये जो गैस है ये आपका गैस क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। तो अगर एक्सपांड कर रहा है, अब इसमें हम है ना दो चार केसेस डिस्कस करना चाहेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं, दिस इज वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, दिस इज वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग ना, ऑन द सराउंडिंग, ये रिजल्ट मेरा निकल के आया। अब मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं इंटीग्रेशन पीडीवी ना, अगर यहाँ पे बात करूँ इंटीग्रेशन के टर्म्स में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ग्राफ बनाया जाए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ सपोज कैसा भी बन सकता है ना, सपोज इस डायरेक्शन में बनाया हमने, तो यहाँ पे डीवी मतलब जो एलिमेंटल जो स्ट्रिप ली, वो एलिमेंटल स्ट्रिप है ना आपका डीवी मतलब वॉल्यूम एक्सिस में एक छोटा सा एलिमेंट लिया, अब पीडीवी इस छोटी सी एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया होगा, और ऐसे इन छोटे छोटे एरिया को ऐड किया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये टोटल एरिया किसके बीच अंडर द कर्व एंड कौन सी एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। तो मैं यहां से बोल सकता हूं यहां पे अगर मैं ग्राफिकल सेंस में अगर देखने जाऊं तो इंटीग्रेशन पीडीवी का मतलब, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं वर्क डन अगर मुझे गैस के द्वारा सराउंडिंग पे निकालना हो तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया बिटवीन द कर्व एंड कौन सी एक्सिस एंड वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, तो कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच जो बाउंडेड एरिया दिखाई दे रहा है, इनक्लोज्ड एरिया, वो हमें वर्क डन देगा। तो मैं यहां पे ये अगर देखूं तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी और फिर कुछ लिमिट लगाते हुए, जैसे यहां पे ये ना अगर एरो इस डायरेक्शन में दिखाया गया है मतलब ये इनिशियल स्टेट हो गया और ये फाइनल स्टेट हो गया, तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो यहां पे ये VI और ये क्या बना हुआ है मेरा VF। याद रखना है इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, इंटीग्रेशन VDP नहीं। कहने का मतलब अगर सपोज कीजिए ना एक और सिचुएशन लेके आता, यहां पे वॉल्यूम वाई एक्सिस में होता, प्रेशर एक्स एक्सिस में होता, ग्राफ यही होता, सपोज ऐसा ही कुछ ग्राफ होता, तो यहाँ पे ये तो इनिशियल स्टेट होता, ये फाइनल स्टेट होता, पर यहाँ पे जो एरिया है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला मेरा आता है इंटीग्रेशन पीडीवी ऑलवेज, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एरिया निकालना है वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, एरिया किस एक्सिस के साथ निकालना है आपको, वॉल्यूम एक्सिस के साथ, ये जो बाउंडेड एरिया होगा ये बाउंडेड एरिया वॉल्यूम एक्सिस के साथ मुझे वर्क डन देगा। तो एरिया अंडर द कर्व है ना, इसमें मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर द कर्व एंड मैं बोल सकता हूँ कौन सी एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस है ना, तो एरिया अंडर द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस मुझे वर्क डन देगा, वॉल्यूम एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये VI और ये क्या है मेरा VF, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली लिमिट भी रखेंगे, VI से VF इंटीग्रेट करेंगे ना, और फिर आप आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है तो ये कंप्रेशन हो गया, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर देखा जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो जब एक्सपांड कर रहा है इस सिचुएशन में एक्सपांड कर रहा है तो वर्क डन क्या निकल गया है पॉजिटिव। तो अब हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपांड करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और कंप्रेस करेगा है ना, कंप्रेस करेगा बाहर का फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ये पिस्टन नीचे मूव करेगा, फोर्स ऊपर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इस केस में वर्क डन निकल के आएगा नेगेटिव, कंप्रेशन के केस में है ना, अगर गैस मेरा कंप्रेस करता है तो उस केस में वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग नेगेटिव होगा, और इस केस में हम देख पा रहे हैं गैस एक्सपांड कर रहा है तो एक्सपांड करेगा तो वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग निकल के आएगा मेरा पॉजिटिव। तो ये है मेरा वर्क डन बाय गैस ऑन द सराउंडिंग पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहां अगर प्रेशर क्या होता, कॉन्स्टेंट होता, तो
हम अगर वर्क डन बाय गैस पूछें तो कभी भी वर्क डन बाय गैस आप फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी ऑलवेज। अब यहाँ पे अगर एक सिचुएशन लेके आ रहा हूँ जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस टाइम पे ये इंटीग्रेशन पी डी वी आप यहाँ पे है ना विद लिमिट्स वी आई से वी एफ तो पी डी वी में पी बार आ जाएगा और यहाँ पे डी वी और यहाँ बना हुआ है वी आई और यहाँ बना हुआ है वी एफ। अब इंटीग्रेशन डी कटा तो यहाँ बन गया वी विद लिमिट्स वी आई से क्या बना हुआ है वी एफ तो यहाँ पे मेरा आया P इंटू ये जो वर्क डन है गैस के कारण इज इक्वल टू P इंटू वी एफ माइनस क्या लिख सकता हूँ वी आई। यहाँ से मेरा बन जाएगा इज इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू P डेल्टा V बोल दूँ बात एक ही है ठीक है P इंटू डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। और चाहे तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ये चीज़ आपका हो जाएगा पी वी एफ माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ पी इंटू वी आई। अब पी इंटू वी आइडियल गैस इक्वेशन है तो हम लिख सकते हैं एन आर टी तो ये बन क्या है एन आर फाइनल टेम्परेचर माइनस एन आर इनिशियल टेम्परेचर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एन आर बाहर आ गया और ये बन गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर मतलब यही वर्क डन का फॉर्मूला एन आर डेल्टा टी हो गया। कहने का मतलब अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम ना दिया हो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दिया हो तो उस केस में हम वर्क डन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट है तो उस केस में आप क्या कह देते हैं वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या बना हुआ है पी डेल्टा वी करते हुए कांस्टेंट प्रेशर है तभी। अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे है ना एक्सपांशन और कंप्रेशन के केस में अगर मैं बात करूं तो लेट्स से एक्सपांड करेगा मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगा ज्यादा इसे कहेंगे हम एक्सपांशन एक्सपांड करना गैस क्या कर रहा है एक्सपांड कर रहा है। तो अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 2 तो 10 माइनस 2 पॉजिटिव तो यहाँ पे आप कह देंगे कि गैस अगर एक्सपांड करता है तो उस केस में वर्क डन बाय गैस ऑन द सराउंडिंग पॉजिटिव आएगा। जैसे एक्सपांड किया तो गैस ने वर्क किया प्लस 10 जूल सिस्टम है ना जो है मेरा गैस है तो सिस्टम के कारण सराउंडिंग पे वर्क हुआ प्लस 10 जूल। अगर पूछा जाता वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम तो आंसर होता माइनस 10 जूल क्योंकि सराउंडिंग पे तो वर्क हो रहा है या वर्क डन है ना हम बोल सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट द है ना सराउंडिंग कितना है तो वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग आपका माइनस 10 जूल जो हो गया ना उसमें माइनस आप नहीं लगाएंगे क्योंकि अगेंस्ट मतलब ऑलरेडी आपका माइनस चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से क्या है मेरा कम है तो फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल वॉल्यूम से कम है तो उस सिचुएशन में ये गैस क्या कर रहा है कंप्रेस कर रहा है। और मैं बोल रहा हूं अगर कंप्रेस करेगा मतलब फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगी माइनस 8 है ना करते हुए तो वर्क डन कंप्रेशन के केस में क्या कहा जा सकता है नेगेटिव। अब सपोज कीजिए इसको हम ग्राफिकल है ना अप्रोच से डिस्कस करते हैं तो मैं यहाँ चार ग्राफ लेके आ रहा हूं ये दिखाते हुए कौन सा एक्सपांशन है कौन सा कंप्रेशन है। तो लेट्स से हमेशा याद रखना है वर्क डन जो होगा वो पी वी का ग्राफ से ही एरिया से वर्क डन निकाला जा सकता है ना पी टी या वी टी के एरिया से हम वर्क डन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे पी वी का ग्राफ यहाँ पे वी पी का ग्राफ तो लेट्स से यहाँ पे अगर गैस इस साइड एक्सपांड करती ठीक है और यहाँ पे लेट्स से एरो पीछे बना देता और सिमिलरली यहाँ पे एरो इस डायरेक्शन में और यहाँ पे एरो मेरा पीछे की तरफ। अब यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर वर्क डन की बात की जाए तो हमेशा कौन सी एक्सिस लेना है वॉल्यूम एक्सिस ना यहाँ पे अगर वर्क डन की बात की जाए तो वॉल्यूम एक्सिस के साथ आप वर्क निकालेंगे है ना मतलब एरिया अंडर द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस ये एरिया मुझे वर्क डन देगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लेट्स से तो यहाँ पे गैस इनिशियल यहाँ थी फाइनल यहाँ पे है तो सपोज करो ये 2 लीटर ना इनिशियल ये फाइनल और ये कितना है मेरा 10 लीटर मतलब ये गैस क्या कर रहा है ये एक्सपांड कर रही है और इसका एरिया अगर सपोज 5 यूनिट्स आ जाता है तो एक्सपांड अगर कर रही है तो अभी देखा एक्सपांड कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा और जो है ना एरिया आएगा उसकी वैल्यू मेरा वर्क डन बन जाएगी। लेट्स से एसआई यूनिट में है तो 5 जूल करते हुए हम बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं गैस
इस स्टेट से स्टेट जा रही है, तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है 10 लीटर से 2 लीटर, तो वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब गैस कंप्रेस कर रही है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे वर्क डन बन जाएगा मेरा -5 जूल। सेम एरिया होता, बस एरो हेड चेंज होता, तो आपका साइन चेंज हो जाता। इस केस में एक्सपांशन, एक्सपांशन में पॉजिटिव वर्क डन और कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क डन। ये हमने सारे वर्क डन बाय द गैस निकाला है। नेक्स्ट बात की जाए, जैसे यहाँ पे अगर देखता हूँ तो ये 2 लीटर, ये आपका 10 लीटर। अब आपको देखना है कि एक्सपांड कर रहा है कंप्रेस कर रहा है, तो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट एरो से देख पा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेस कर रहा है। अब ये लेट्स से एरिया 5 होता तो 5 जूल मैग्नीट्यूड होता, पर क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे बोला जाए 2 लीटर है ना, 10 लीटर करते हुए, अब यहाँ पे अगर ये इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मतलब इनिशियल फाइनल, मतलब फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है, फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप वर्क डन की बात करें तो यहाँ पे वर्क डन एक्सपांड हो रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा +5 जूल करते हुए। तो उस तरह से आप वर्क निकालने जा सकते हैं। तो ये हमने देखा कैसे वर्क निकाला जा सकता है। प्रेशर कांस्टेंट है, पी डेल्टा वी कर लीजिए, इंटीग्रेट करके भी काम किया जा सकता है ना, विद प्रॉपर लिमिट्स। अब प्रेशर का कांस्टेंट नहीं है, है ना, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे वेरी कर सकता है। उसके बाद एरिया के थ्रू भी वर्क डन निकाला जा सकता है, और कौन एरिया, प्रेशर वॉल्यूम का एरिया, चाहे वॉल्यूम एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, पर एरिया हमेशा कर्व और वॉल्यूम एक्सिस से हमें ना बात करनी है। तो ये है मेरा वर्क डन बाय गैस पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यहां तक आप स्क्रीनशॉट जरूर